केंद्र सरकार के द्वारा पारित करवाए गए किसानों से जुड़े बिलों का विरोध हो रहा है। इन बिलों को किसान विरोधी अध्यादेश बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। उदयपुर में एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कुशलेश चौधरी और विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी के नेतृत्व में कृषि मंडी के गेट पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में धारा 144 के कारण एनएसयूआई के कार्यकर्ता कम संख्या में उपस्थित रहे। छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी ने चेतावनी दी कि अगली बार प्रदर्शन में 144 धारा का ध्यान नहीं रखा जाएगा और एनएसयूआई सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी एवं इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की रहेगी। छात्र संघ अध्यक्ष चिराग चौधरी ने बताया कि जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किसान विरोधी अध्यादेश लागू किए हैं उसमें सरकार मंडी प्रथा खत्म करना चाहती है एवं इस अध्यादेश से लघु व मध्यम वर्ग के व्यापारी खत्म हो जाएंगे तथा पूंजीपति लोग हावी हो जाएंगे। आत्मनिर्भर की बात तो करते हैं एक तरफ, पर जो आत्मनिर्भर लोग हैं उन्हीं के बारे में नहीं सुन रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अध्यादेश जारी किया है उसमें उन्होंने एक चीज की तो बात रखी नहीं है, MSP जिसमें न्यूनतम दाम क्या होगा उसकी कोई बात नहीं की है। इससे यही लगता है कि मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना चाहते हैं और जो किसान भाई हैं उनको उससे कोई चीज़ नहीं मिल रही है। और आज देश का जो युवा किसान है वो इससे बहुत दुखी है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हरियाणा में सरकार ने किसान भाइयों के साथ लाठीचार्ज किया था उससे ये सबसे बड़ी निंदनीय चीज़ है कि आप जब वोट मांगना होता है तब तो इन किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और जब आप सरकार में आ जाते हैं तब उनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं कि आज हमने उदयपुर एनएसयूआई 144 धारा को सम्मान में हमने बहुत कम लोगों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया, पर जल्दी आपने जो अध्यादेश जारी किए हैं वो आपने वापस नहीं लिए तो हम बड़ी संख्या में रोडों पर उतरेंगे और उसके बाद पूर्ण जिम्मेदारी मोदी सरकार की रहेगी।